जय जोहार, जय जोहार। दोस्तों, आप सभी को ही पता होगा कि कुछ लोग 3 महीने ही बाकी है लोकसभा चुनाव को लेकर। आपको पता है कि विधानसभा क्षेत्र में भारत आदिवासी पार्टी ने अपनी दमखम के साथ सभी उम्मीदवार को जिताने में कामयाब रही, लेकिन भारत आदिवासी पार्टी के 3 विधायक जीते हैं, डूंगरपुर और आसपुर और दरियाबाद से। अब भारत आदिवासी पार्टी फिर मैदान में होगी 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर। 2 सीटें उदयपुर चंपा, बांसवाड़ा से हम किस उम्मीदवार को देखना चाहते हैं, तो आप बांसवाड़ा से हो तो कमेंट जरूर करें, आप किस उम्मीदवार को चाहते हो। आपको पता है सबसे पहले लोकसभा सीट रोहित कांतिबाई आदिवासी बीटीपी के सिंबल से लड़ते और 2 लाख वोटों से हारे थे, यानी कि 2 लाख वोट लाए थे, अच्छा खासा। और बड़े चेहरे के नाम से देखा जाए तो रोहित कांतिबाई आदिवासी आते हैं, और अशोक गिल जो भारत आदिवासी पार्टी से अभी चुनाव लड़े हैं विधायक, और वो 3000 वोटों से रह गए हैं विधायक वो। तो क्या आप अशोक गिल को चाहते हो, और बबीता कश्यप भी हो सकती है मैदान में, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि लोकसभा सीट सांसद को लेकर किसको टिकट दी जाए। ये तो आदिवासी आम राय से ही तय होगा, लेकिन आपकी क्या राय है वो कमेंट में ज़रूर मैसेज करें। ये तीनों बड़े चेहरे हैं जो लोकसभा सीट अपने खाते में कर सकते हैं। बस इतना ही, और भारत आदिवासी पार्टी सिर्फ 1 महीने पहले बनी थी, और 1 महीने बनते ही विधानसभा के अंदर ताल ठोक दी थी, और विधानसभा के अंदर इतना आदिवासियों का जलवा और आदिवासियों की ताकत आदिवासियों ने खुद ही दिखाई और 3 विधायक जिताए। जितने 8 जो कैंडिडेट थे वो जितने के करीब थे, और 2000-3000 से वोट से हारे, लेकिन अब लोकसभा चुनाव के अंदर भारत आदिवासी पार्टी दमखम के साथ लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं भारत आदिवासी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के लिए चुनौती बन सकती है, और लोकसभा सीट बांसवाड़ा और उदयपुर बीजेपी के खाते में जा सकती है, क्योंकि देखा जाए कि विधानसभा में भारत आदिवासी पार्टी कम से कम 10-12 लाख वोट लाई थी। ये देखा जाए तो ट्राइबल एरिया और वागड़ और मेवाड़ के अंदर भारत आदिवासी पार्टी अपना कितना दम दिखाएगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और देखा जाए तो भारत आदिवासी पार्टी 2 सीट ये भी खाते में जा सकती है, और लोकसभा सीट जीत कर जब सांसद जाएंगे तो कहीं ना कहीं आदिवासियों की दबी जो मांगे हैं, जो आदिवासी अधिकार की बात है, जो बिल प्रदेश का सपना है, वो साकार हो सकता है। क्योंकि जो आज की सरकार है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, किसी भी पार्टी या किसी भी नेताओं ने आज तक आदिवासियों के आरक्षण को लेकर या फिर आदिवासी अधिकार को लेकर किसी ने पैरवी नहीं की, इसलिए आदिवासियों दक्षिणी राजस्थान के अंदर आदिवासियों ने खुद के दम पर आदिवासी पार्टी और खुद के दम पर चुनाव लड़कर 3 विधायक जिताए हैं, और अब लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी में जुटे हुए हैं। ये तो लोकसभा चुनाव के अंदर ही पता लगेगा कि भारत आदिवासी पार्टी कितना दम लगा सकती है। आपको बताते हैं कि भारत के अंदर राजनीतिक पार्टियाँ हैं जो कि कांग्रेस और बीजेपी, उनसे हटकर भी भारत आदिवासी पार्टी कितनी वजूद हो सकती है, ये तो आने वाला समय बताए। और तीसरी पार्टी के रूप में भारत आदिवासी पार्टी बनी हुई है, और तीसरे मोर्चे के रूप में देखा जाए तो भारत आदिवासी पार्टी ही बन सकती है तीसरी पार्टी। जय जवाहर, जय आदिवासी।